त्यागी समाज के नए नेता के नाम से जाने वाले श्रीकांत त्यागी हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। अपनी एक पार्टी बना रखी है और उसका अभी जो नाम में परिवर्तन हुआ है उसको लेकर चर्चा करेंगे। श्रीकांत जी, किस तरीके से नाम में परिवर्तन हुआ है? अभी तो 2024 का लोकसभा चुनाव था, एकदम से ये क्या चीज हुई है? देखिए, इलेक्शन कमीशन द्वारा पहले हमारा नाम राष्ट्रवादी जनसत्ता दल दिया गया था, परंतु ऐसी कोई पार्टी पूरे देश में नहीं थी हमारी पार्टी के अलावा। बावजूद इसके नाम पर आपत्ति दर्ज कराते हुए उन्होंने हमें सुझाव दिया कि नाम आपको नहीं दिया जाएगा। कोई वजह बताई? हमने वजह पूछा तो उन्होंने कहा नहीं दे पाएंगे। कमीशन ने कहा नहीं दे पाएंगे। हमने कहा कोई पार्टी रजिस्टर्ड है? उन्होंने कहा नहीं है। हमने कहा कोई किस तरह की कोई आपत्ति है? तो उन्होंने कहा वो इंटरनल आपत्तियां हैं, आयोग इसको नहीं बताता है। तो आप कोई अन्य नाम अगर चाहें तो हम आपको दे सकते हैं। तब जाके हमने अपने लोगों से विचार विमर्श किया तो राष्ट्रवादी नव निर्माण दल के नाम से, हमारी जो राष्ट्रवादी जनसत्ता दल थी नव निर्माण दल के नाम से, अब वो रजिस्ट्रेशन उसका उन्होंने हमें दिया है करके। लोकसभा चुनाव है, तैयारियां चल रही थी क्या आपकी इस चीज को लेकर? लोकसभा की तैयारियां चल रही थी और रजिस्ट्रेशन भी इन्होंने हमारा जो नाम का किया वो 7 तारीख के बाद किया, जब हम चुनाव में नहीं जा पाए, पहला फेज का चुनाव नामांकन निकल जाए। स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी हमें चुनाव से रोकने की थी, लेकिन संगठन की रचना को रो नहीं रोक सकते। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों को बुलाया गया, निर्देशित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आपने कहा कि रोकने का प्रयास कर रही थी, क्यों? ऐसा क्यों है कि आपको रोकने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी? त्यागी भूमिहार समाज परंपरागत भाजपा का वोटर माना जाता रहा है और हम लगातार भाजपा का विरोध कर त्यागी समाज को लामबंद कर बीजेपी को एक पटकनी दे भी चुके हैं। खतौली चुनाव के अंदर भाजपा की कथाकथित हिंदूवादी सीट खतौली, जिसको भाजपा की तमाम सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद और 20-20 मिनिस्टर नहीं जीता पाए, उस सीट को हमने आप ही के चैनल पे कहा था, आपको याद होगा कि 29 तारीख को हमने कहा था ट्रैक्टर रैली पे कि 7-8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी यहां से 20 से 25,000 के बीच में चुनाव हारेगी और इनका ये भ्रांति टूट जाएगी कि त्यागी समाज इनका वोटर अब रहा है। वही हुआ, 22,300 से बीजेपी वहां चुनाव हारी, 25,000 का वहां त्यागी समाज का वोट बैंक है। लेकिन निकाय चुनाव में असर तो देखने को नहीं मिला, 12 सीट थी पूरे यूपी में, 12 की 12 जीती है। देखिए, निकाय चुनाव के अंदर सिर्फ त्यागी समाज ही निर्णायक चुनाव हराने में नहीं है, जीत का अंतर तय करता है कि किसको कितनी वोट से हराया जाएगा। जीत का अंतर मेरठ बताता है कितनी वोट से हराना है हमें, जीत का अंतर मुजफ्फरनगर बताता है कितनी वोट से हमें हराना है, जीत का अंतर सहारनपुर कैराना बिजनौर बताता है कितनी वोट से हमें हराना है, जीत का अंतर बागपत बताता है, अमरोहा बताता है। आप चिंता ना करिए, 2024 में बड़े पैमाने पर मोदी जी के तो बिहार के नव मित्र जो नीतीश कुमार जी 4,000 सांसद बना दे रहे हैं, तो इनका 400 पार का नारा तो बहुत छोटा है, इनके नेता तो 4,000 पार करा दे रहे हैं सांसदों की संख्या। तो भाजपा का क्या अंतर आएगा, भाजपा को क्या फर्क पड़ेगा, इसका बड़े पैमाने पर आपको 2024 के चुनाव में असर दिखेगा। और त्यागी भूमिहार समाज अपने दल, अपनी पार्टी और अपनी शक्ति, अपने बल राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के झंडे के साथ खड़ा है और एकमुश्त होकर अपने साथ अन्य समाज के लोगों को भी जोड़ने का काम कर रहा है। समता मूलक समाज की स्थापना में जितना योगदान त्यागी भूमिहार समाज का रहा है शायद ही किसी का रहा हो। कैसे करेंगे? सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात करने वाली पार्टियां इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करती हैं और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर त्यागी भूमिहार समाज एक ऐसा समाज जिसने आज तक भी इतिहास के पन्नों में अपने बच्चों की तो देश के लिए आहुति दी, लेकिन कभी त्यागी रेजिमेंट की मांग नहीं की होगी और ना कभी मांगेगा। ये वो समाज है जो देश में निर्माण में अपना योगदान देगा और उस योगदान में सिर्फ बदले में राजनीतिक भागीदारी हासिल करेगा ताकि गलत लोगों को राजनीति में आने का मौका ना मिल सके। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने की आप बात कर रहे हैं, वो किस तरीके से हटाएंगे? क्योंकि मेरठ की सीट पर जो प्रभु राम का किरदार निभाया था रामायण में, अरुण गोविल हैं, समाजवादी पार्टी से हालांकि सुनीता वर्मा जो पूर्व मेयर रह चुकी हैं उनका भी दबदबा यहाँ पर काफी माना जाता है। बाकी सीटों की अगर बात कर लें तो बागपत में NDA गठबंधन है, RLD उसमें शामिल है और राजकुमार सांगवान है, बहुत बड़ा वोट बैंक उनका माना जा रहा है अभी तक। ऐसी बिजनौर भी माना जा रहा है, मुजफ्फरनगर भी माना जा रहा है, 2 बार वहाँ पे सांसद रह चुके हैं संजीव बालियान, वो हैट्रिक लगाने की तैयारी है, पूरी पश्चिम उत्तर प्रदेश को घेरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, आप कैसे हराएंगे?
देखिए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए त्यागी समाज पर्याप्त इसलिए है कि जिस बूथ पर त्यागी समाज के लोग इनकी संरक्षण करते थे वो बूथ खाली हो गए हैं, और जिन पार्टियों को ये अपने साथ संगठित कर रहे हैं उन पार्टियों के पास अगर वोट होता तो वो भाजपा में ना जाते, वो भाजपा में ना जाते। तो ये तो बीजेपी के साथ अपनी नाव पार लगाने की जो रणनीति अन्य दल अपना रहे हैं वो मुद्दा वही है, उनका वोट बैंक उनके साथ नहीं है, हमारा वोट बैंक हमारे साथ है। आरएलडी का मतलब वोट बैंक के साथ नहीं, आरएलडी का कोई वोट बैंक नहीं है। आरएलडी का वोट बैंक अगर होता तो जयंत चौधरी लड़ाई लड़ते, आरएलडी का वोट बैंक खतौली में भी उनको नहीं पड़ा था, वो त्यागी समाज की बदौलत चुनाव जीते। आरएलडी का वोट बैंक अगर आरएलडी के साथ होता तो जयंत सिंह किसानों की लड़ाई की बात करने वाले थे, एमएसपी की बात करने वाले थे, आज उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, भारत रत्न दिखाई दे रहा है। भारत रत्न से समस्याएं हल नहीं होती है, सम्मान पाना राजनीति का उद्देश्य नहीं है, संघर्ष राजनीति का उद्देश्य है। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, मेरे को ये पता चला था कि श्रीकांत त्यागी मेरठ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीएसपी से देवव्रत त्यागी आ गए, तो आपने ये सोचा कि त्यागी त्यागी आपस में क्या चुनाव लड़ेंगे, तो इसलिए आपने बैक ऑफ कर लिया था, क्या ये सच्ची बात है? नहीं तो ये अच्छा नहीं है क्या? अगर देवव्रत त्यागी चुनाव जीतते हैं तो मैं तो कह रहा हूँ आपके मंच से ना, हम ये समझ सकते हैं ना कि आप बीएसपी को सपोर्ट कर रहे हैं मेरठ की सीट पर? हमने कहा भारतीय जनता पार्टी को हराने की ताकत जो भी व्यक्ति दिखाएगा, एक मुश्त 2,30,000 वोट है, और ये वोट मैं आपके चैनल से ऐलानिया कह सकता हूँ, एक एक गांव में सर्वे कर लीजिए, हम अभी रात को फोन पे बात करेंगे, सुबह तक वोट जहां जाना होगा वहां से विपरीत चला जाएगा। अपना वोट बैंक की ताकत बसपा दिखा दे तो त्यागी समाज को जो करना है उसे पता है, पहले बसपा का जो वोट बैंक है वो अपनी ताकत दिखा दे, तो अगर बसपा का वोट बैंक अपनी ताकत दिखाने में सक्षम हुआ तो त्यागी समाज अपनी ताकत दिखा देगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ श्रीकांत त्यागी, जो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा चुनाव ये होने वाला है उस पर कहीं ना कहीं उनको सत्ता से हटाने का काम ये करने वाले हैं, और त्यागी समाज को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है कर दें कि जहां पर भी वोट त्यागी समाज का जा रहा है इनके हिसाब से वो हो सकता है कि विपरीत दिशा में जाए और भारतीय जनता पार्टी को हराने का ये काम करें। अनमोल शर्मा, ईवीएन उत्तर प्रदेश, मेरठ।